I'm just going to quickly introduce our next speaker. Pandit Satyasheel Deshpande is widely known as a uniquely creative Hindustani classical vocalist who is widely respected for his immense contributions to the field of Indian classical music as a performer, composer, musicologist, scholar, researcher, author and guru. He is the son of the renowned musicologist Pandit Vamanrao Deshpande and a senior disciple of Kumar Gandharv. Satyasheel ji is the founder of the Samvaad Foundation, in collaboration with which we have the music center today, and has created one of the most valuable collections of Hindustani music in India. Samvaad Foundation's recordings were made by Satyasheel ji himself through intimate sessions with every great master of the time. In these sessions, Satyasheel ji himself imbibed the knowledge and the insights of these masters, together with their varying perspectives on the art of music making. It was through this process that his unique, wide-ranging, eclectic and complex musical personality was forged. He's also widely known for his conversational style of presentation, which I hope we'll be able to witness today. Thank you. Namaskar. Main Hindi mein bolunga. मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आज का मेरा प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, मैंने ऐसे मुझे लगा। मुझे ऐसे लगता है कि आज का जो सब्जेक्ट है क्रिएटिविटी, नवनिर्माण, ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो आवर्तन गाए जाते हैं राग वही होता है, ताल वही होता है, शायद फ्रेजेस भी वही होते हैं, और आमिर खान साहब मेरखंड करेंगे तो 12 सुरों में ही करेंगे, 13वां सुर तो नहीं लगता है। उसका एक रीऑर्गेनाइजेशन, और एक मराठी में बहुत अच्छी कविता है, डरिए मत मेरी नहीं है, और दो लाइन की ही है। एक मराठी के कवि थे, पूछी रहेगी, आसमंत आहे नवा, काय मी राहीम काय केलं होतं हिंदीमध्ये, आसमंत आहे नवा इथे तिथेची फक्त वानवा, मतलब पूरी अनोखी नहीं है जमी या भूमि, तो सिर्फ यहां वहां की कमी, टू गेट फैमिलियर हम लोग यहां वहां करते हैं, तो हमारे संगीत में ये यहां वहां होता है। हम लोग बड़े गर्व से करते हैं कि हमारा संगीत पूर्व निश्चित नहीं है, पर हमारे गायकों ने उसमें भी पाठांतर करके गाने की तरकीब हासिल की है। मगर जो भीमसेन जोशी बड़े माना जाता था कि बहुत अच्छे गायक हैं, पर वही वही गाते हैं, ऐसे उन पर एक आरोप था कुछ लोगों का। अब उन्होंने हजार बार तोड़ी गाया होगा, पर अपने किसी भी तोड़ी के साथ वो फिर से वो बंदिश भी नहीं गा सकेंगे। फॉरगेट द इम्प्रोवाइजेशनल पार्ट और एक्सटेम्पोराइजेशन एज यू कॉल इट, नहीं गा सकते हैं। इसीलिए हमारे शायद ये रिवाज है कि उसी गायक का वही राग सुनने के लिए वही लोग जाते हैं, ये इतिहास है। कि आज क्या वो फेर मरनी या रीऑर्गेनाइजेशन होगा या क्या होगा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, मैं लास्ट डेढ़ दिन से टीएम कृष्णा के जो वो मनोधर्म है वो 44-45 मिनट्स के तीन सेशंस मैंने सुने लगातार, और जो आखिरी था वो दो बार सुना, तो उससे मुझे लगा कि हमारे यहाँ तो अष्टांग भी वेल डिफाइंड नहीं है। जितना कॉन्क्रीट वो बोल सकते हैं साउथ इंडियन म्यूजिक के बारे में, इतना समझदार होने के नाते मैं नॉर्थ इंडियन संगीत पर नहीं बोल सकता कि व्हाट इज बोलतान। 10 लोग 10 तरीके को बोलतान कहते हैं। जैसे इन्होंने तानम के बारे में जो बताया, हमारे आगरा घराने की नोमतोम अभी बहुत ज़्यादा अविकसित है ऐसे मुझे लगा, और इट इज मोर फॉर द पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन देन द म्यूजिकल पॉसिबिलिटीज टू बी एक्सप्लोर्ड। खैर ये बातों का निर्णय होता ही रहेगा, और इसका कोई अंतिम निर्णय ना हो, हर कोई अलग अलग तरीके से उसको गा के देखे, यही मेरे ख्याल से संगीत के रिसर्च का एक कंटिन्यूएशन हो सकता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो छात्रगण बैठे हैं उनके लिए ये संक्षिप्त में उत्तर भारतीय ख्याल संगीत का स्वभाव क्या है, संगीत का भी अपना स्वभाव होता है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट ख्याल जॉनर,
एक ऐसा पर्सपेक्टिव है संगीत का, अब मैं भारत में हूं तो शायद वैदिक रुचाओं को हमारे संगीत का सबसे प्राचीन उपलब्ध प्रूफ कहा जा सकता है। आई वोंट कॉल इट उगम स्थान। उगम स्थान में लगता है कि जैसे वो नायगारा ऊपर से गिरता है ऐसे एक उगम स्थान है और वहां से संगीत नीचे गिर रहा है, तो ऐसे उगम स्थान नहीं है। इट इज द मोस्ट द ओल्डेस्ट अवेलेबल प्रूफ। तीन वेदात्त अनुदात्त स्वरित तीन में गाया गया है। आगे के किसी भी फॉर्म का ठीक से निश्चित रूप किसी ने बताया नहीं है, पर इतना ही मैं समझा कि गंधर्व गान, जाति गायन, रीति, उसके बाद प्रबंध और ध्रुपद और ख्याल। देवधर जी ने मुझे एक प्रबंध बताया था, आई कुड ओनली सेंस दैट इट इज मोर वर्ल्ड ओरिएंटेड देन ध्रुपद, और ख्याल में शब्दों की संख्या और ही कम होगी। और इस संगीत में एक मजेदार बातें हैं, एक 150-200 साल का इसका इतिहास है जिसका हमें कुछ सबूत मिलता है। तानपुरे बनाने वाले इसी समय से तानपुरे बनाते हैं। उनके मैंने कुमार जी के साथ में गया था तो उनकी जो जमीनें हैं उनको पुरानी, तो वहां पे उनको लिखा है शिकलगार। शिकलगार का मतलब जो हथियार बनाते हैं, तरवार, भाले, शिकलगार। इसीलिए मुझे पता नहीं, हमारे संगीत में इंस्ट्रूमेंट्स को हथियार कहते हैं उत्तर भारतीय में। हत्यारा आली कि नहीं, मतलब हथियार आए कि नहीं, इसके शायद हो गया। और ध्रुपद का कम होना और ख्याल का आगे आना, मतलब पखावत जाके तबला का उपयोग बढ़ा। और तबले में व्हाट वी कॉल इज खाली भरी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ अ रिदमिक साइकिल एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ अ रिदमिक साइकिल। ये एक नई बात आ गई मैं समझता हूं, ये ध्रुपद में नहीं है। मैं धमार की बात नहीं करता हूं, ध्रुपद गायन की बात करता हूं। धमार ये बाद में होरी करके गाया गया, उसका ललित प्रकार है। मतलब जैसे हम लोग अभी, मैं ख्याल गाने के बाद एक बार ठुमरी भी सुनाऊं आपको, ऐसे धमार गाए जाते थे। धमार वॉज नेवर द मेन, जैसे वर्णम को प्रतिष्ठा है या ख्याल को प्रतिष्ठा है, ऐसे धमार को नहीं थी। तो ध्रुपद में अगर धा धा धिनता किट धा धिनता तिटकत गदि गन धा धा धिनता, तो मुझे उत्तर भारतीय ख्याल संगीत का जो शिकार है, ऐसा मेरा जैसा शख्स को लगता है कि इसमें खाली भरी नहीं है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ये खाली भरी न होने से, अभी देखिए, धा धा धिनता किटता धिनता तिटकत गदि गन धा। अब इसीलिए मैं अगर हमारा एकताल कहूं तबले पर जो बजता है धिन धिन धा त्रकू ना गिन धा त्रक धी ना, हाँ, ये करने का मन करता है। ऐसे ऊपर जाके वो नीचे आता है एंड फिर से द साइकिल इज रिपीटेड ऑफ दो सिलेबल्स, तो लगता है हम फिर से सम पर आ गए। तो हमारे ख्याल में मुखड़ा लेके सम पर आना, ये जो क्रिया होती है ये ध्रुपद में नहीं होती है। मैंने नहीं सुना, आई एम अबाउ 65। मैंने बचपन से गिंडे भट्ट जी से तो मैंने तालीम भी ली है ध्रुपद जी की, और तो मैंने कहा क्योंकि शुरू पहली मात्रा से ही शुरू होता है वो ध्रुपद, और उसमें बहुत ज्यादा काव्य है ख्याल की तुलना में। और हम लोग ख्याल पे आकर के मुखड़ा लेके सबसे पहला काम करते हैं ना, सुंदर आवर्तन की निर्मिति करते हैं और काव्य की भ्रूण हत्या करते हैं। ऐसे जगह पे हम लोग समझेंगे कि हमारे रसिक भी पूछे पंडित जी क्या गाए, पंडित जी गाए गोकुल गा। उसको ये कहने की जरूरत नहीं कि गोकुल गांव का छोरा बरसाने की नारी। अच्छा, बरसाने को हम लोग समझते हैं रेनी सिचुएशन, वो बरसाना इज अ धर्म बर्थ प्लेस ऑफ राधा, फ्यू फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम वृंदावन। जैसे बरज रही, गरज बरज रही, तो लगता है बारिश के वो सब बादल गरज बरस रहे, तो नहीं है। बरज रही यानी वर्ज, मना है, मना कर रहा हूं। खैर, शब्दों का आनंद हम लोगों ने जो लिया है उससे कंप्लीट मतलब एक कॉमेडी सीरियल हो सकती है बीबीसी पर। शास्त्रीय संगीतकारों द्वारा लिया शब्द का साहित्य का आनंद, ऐसे में करने वाला हूँ अभी। इट कैन बी वंडरफुल सब्जेक्ट फॉर PhD, अभी बचा हुआ सब्जेक्ट यही है। माफ करना, मैं खुले दिल से बोलता हूँ, जो गलती हो। तो ये खाली भरी उनके ठेके में नहीं है, हमारे ठेके में है, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दिया। तो उससे मुखड़ा लेके सम पर आने में हम लोग बड़े माहिर होते हैं।
और मेरे ख्याल से यही फर्क हमारे सुगम संगीत और क्लासिकल संगीत में है. सुगम संगीत जिसमें फिल्म म्यूजिक आता है, जो मोस्टली दादरा केरवा में गाया जाता है. मेरे पास अभी ऐसा एक दुर्धर प्रसंग, विकट प्रसंग आया था कि स्पीक मैके ने मुझे आमंत्रण दिया था, पर उन्होंने बुलाया और 3-4 स्कूल्स में मुझे 2 घंटे में उत्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का स्वभाव, उसमें नवनिर्माण की शक्यताएं, इस पर बोलना था 2 घंटे में. मुझको समझने में मेरे बाल सफ़ेद हो गए, पर 2 घंटे में बताना था. तो उन दिनों 6-7 साल पहले वो 6 स्कूल में, द एज ग्रुप वॉज 10 to 14, 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी थे, एंड दे हैड अ म्यूजिक टीचर. और वो म्यूजिक टीचर ने इतना प्लानिंग करके उनमें संगीत की नफरत पैदा की थी कि क्या कहने. अब उनको उनको मुझे 2 घंटा उनको पेश करना है, तो मैंने कहा थोड़ा मज़ा आना चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा आपको कौन सा गाना पसंद है, तो पहले वो म्यूजिक टीचर को ऐसे डर के देखते थे और बोलते थे मालकाउंस या वृंदावनी सारंग वगैरह. फिर वो टीचर जरा बाहर गई, मैंने पूछा आप सच बताओ ना कुछ ना ये सब राग. मैंने कहा मेरे को पसंद नहीं है, आपको गाना कौन सा पसंद है वो बताइए. क्योंकि हम जो ख्याल में जो अष्टांग चिपकाते हैं ना हर किसी को, उससे उसका जो सॉन्ग एलिमेंट है वो नष्ट हो जाता है. हाँ खैर वो उस बात पर मैं आगे आऊँगा. तो बोले कि कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना. मैंने कहा वाह यार ये तो मेरा भी मनपसंद गाना है, इट वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज. मैंने कहा गाइए गाइए गाइए, तो सब वो बच्चे गाने लगे तानपुरा बड़ा. कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, कजरारे कजरारे तोरे कारे जुड़वा नैना. अभी कल हमारे मित्र गुलजार जी का बर्थडे था, तो मैंने उनको पूछा नहीं पर ये जुड़वा नैना क्या होता है. वी डोंट कॉल टू नोस्ट्रिल्स, वी कॉल इट अ नोज. तो जुड़वा नैना का मतलब क्या, तेरी जुड़वा नैना मतलब इट कान ही कुडंट हैव मेंट स्क्वेंट, है ना. खैर जुड़वा नैना. अब और ये बच्चे गाते हैं जोर से और 10 मिनट में उनकी आवाज़ें सब कमज़ोर हो जाती है, दे आर सिक ऑफ दैट मोनोटनी. अच्छा मैंने ये 6 स्कूल में किया, तो मुझको इसका इतना पुण्य मिला कजरारे गाने का, क्योंकि ये मराठी आरती है. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, तो ये कजरारे का मेरे को इतना पुण्य क्या है. हरी मुखे मणा पुण्याची गणना कोण करी, संत वचन है. ऐसे मेरा पुण्य संचय इतना बड़ा 6 दिनों में कि अभी उसका क्या करने का समझ में नहीं आया. खैर तो फिर वो बच्चों की बोरियत हटाने के लिए मैंने उनको कहा ये जो कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, आप बताइए इनमें से कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है. कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना. कुछ कुछ लोग बोलते हैं कजरारे बोलते हैं कारे कारे बोलते हैं, पर नैना है क्योंकि नैन है तो श्रृंगार है ना, नैन है तो कजरा होने का मतलब है. जैसे आप टीवी में अभी सीरियल देखेंगे 24 घंटा तो आपको ये लगेगा कि इतने साबुन है तो आपने को 10 बार नहाना चाहिए, पर बेसिकली साबुन नहाने के लिए है. हम लोग साबुन के लिए नहीं नहाते हैं, अनलेस समबडी हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड. तो मेरे कहा नैना पर सम रखते हैं. आई एम बेसिकली ट्राइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन सुगम संगीत में जो 8 मात्रे का केरवा होता है. कजरारे कजरारे तोरे कारे कारे नैना, 8 बीट्स आर बीइंग प्लेड. धागे न तिनक धिन, धागे न तिनक धिन, धिंदा तित धागे धिंदा तित, और एनीथिंग इट कैन बी एनीथिंग, पर इट इज 8 बीट्स. तो अगर मैंने कहा इसको मैं 3 ताल में लाता हूँ और नैना बीइंग द इम्पोर्टेंट शब्द, तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा तित. This happens to be in rag book, this kajrare business. और मैं उनको कहता हूँ कि नैना, इधर आप खाली ताली बजाइए, आप सब लोग बजाइए, come on. नैना कजरारे कजरारे कारे, नैना कजरारे कारे 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 नैना. तो हंसने लगते हैं, ऐसे बोलतन करता हूँ मैं. पहली बात तो उनको एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आता है,
कि हम लोग भी इसमें शरीक हो सकते हैं. तो यहां पर ये मुखड़ा लेके सम पर आने की बात शुरू होती है. Any question? Because of this talakriya, because this is a 16-bit cycle. Na din din dha, dha din din da, dha din din da, traka din din da, dha din. In contrast of dhage na tina ka din, dhage na tina ka din, dhage na tina ka din. है ना? इसमें वो हो नहीं सकता है. दादर का भी उदाहरण लोग रहने दो. हाँ. There are two global tempos, एक 6-beat and 8-beat. अब दूसरा उदाहरण देता हूं. This is a very old film song, but आजकल भी ये लोकप्रिय है. It goes as आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी. This is 6-beat. और वॉल्ट्स 1 2 3 4 5 6 आधा तक खेमटा लावना दी दादा दी दादा गुजरात गरबा रिदम. आधा है चंद्रमा रात आधी, रहन जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी. आपसे आप में से कितने लोगों को मालूम है ये गाना? बाबरे, so many people know. तो अभी ऐसा है, ये किसी ने लिखा है for a situation in the film. उन दिनों समझा जाता था कि फिल्म में गाना एक जैसे स्त्री के सौंदर्य में एक आभूषण वृद्धि कर देता है, ऐसे अच्छे गाने सिनेमा में एक चार चांद लगा देते हैं. उसको किसी ने लिखा है, किसी ने कंपोज किया है, किसी ने प्लेबैक दिया है और किसी ने वो स्क्रीन पर अभिनीत किया है. इतना सारा उसमें वो है. और आज अगर समीर आप मुझे कहोगे कि नहीं ये मुझे गाना इतना अच्छा लगता है कि रोज़ सवेरे उठ के मैं पहले सहगल का गाना सुनता हूँ, बाद में ये गाना सुनता हूँ, तो आई विल एनवी यू, क्योंकि आप अभी बोरियत नहीं हुए. क्या होता है, बोर होने को भी एक मानसिक स्वास्थ्य और आरोग्य लगता है. हर एक की बोर होने की क्षमता इट डिफर्स. कोई लोग 30 साल में बोर ही नहीं होते उसी चीज़ से. मैं 3 मिनट में बोर हो जाता हूँ, क्योंकि अब ये आधा है चंद्रमा में मैं क्या कर सकता हूँ. ध्रुपद ने तो उसका चौताल बना दिया, 3 चौक 12 धा धा धिंता किट धा धिंता तिट गद गदिगन, और उसमें राजा की स्तुति या भगवान ईश्वर की स्तुति और उसका समूह गान भी हो सकता है. अभी ये दादरे का क्या करेंगे 6 बीट्स का? तो इसमें जिस किसी की घुटन हो गई होगी ऐसे एक समाज ने, क्योंकि ऐसी बातें कोई अकेला आदमी नहीं ढूंढता है, ये एक सामाजिक सुधार होता है. जैसे कि सितार हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स, अभी विलायत खान ने उनको एक 5वीं स्ट्रिंग लगाई, तो ऐसे एक मेरे हिसाब से एक अमीर खुसरू परिपूर्ण सितार नहीं निर्माण कर सकता है, एक साधारण का ख्याल निर्माण नहीं कर सकता है, वो ख्याल की शायद शुरुआत कर सकता है, क्योंकि अभी भी ख्याल संपूर्ण नहीं हुआ है, केवल उसकी शुरुआत है. खैर विषांतर हो गया, पर बात मेरी है कि जिस किसी को ये बोरियत हो गई होगी, क्योंकि आपने देखा होगा लाइट म्यूजिक के जो प्रोग्राम होते हैं, इफ यू गिव देम वंस मोर दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. वो इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इम्प्रोवाइज करने को इसमें जगह ही नहीं है. वो आधा है चंद्रमा रात आधी, ये 6 मात्रा में वो चंद्रमा खुद के भीतर मुड़कर क्या मैं 14वीं का चांद हूं या अमावस की काली रात हूं, वो निर्णय नहीं कर पाता. देयर इज नो स्पेस. आधा है चंद्रमा आप लोग गाते हैं तो चंद्रमा बोलता है ठीक है भाई मैं आधा हूं. देयर इज नो स्पेस टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो इसमें से बोरियत होके धिन धिन धा त्रक तू ना कत्तिन धा त्रक धीन, धिन धिन धा त्रक तू ना कत्तिन धा त्रक धीना धिन. अब ये जो सम है, सम इज द फर्स्ट बीट ऑफ रिदमिक साइकिल, which is exactly double of that light music tempo. Dha dhi na dha ti na dhin dhin dha trakatu na kattin dha trakadhi na dhin. ये जो सम है बस बचेंगे ना,
सम दो बातें प्रूव करती है, एक तो बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट रिदमिक साइकिल, पर मोर इंपॉर्टेंट इज द एंड ऑफ प्रीवियस साइकिल, क्योंकि धिन धिन धा त्रिकतु ना कतिन धा त्रिकधी ना, मैंने बोला ही नहीं तो वो ना मात्रा का लेंथ या मीटर रिक्शा का मीटर जैसे पड़ता है ऐसे चालू ही है। तो अनलेस यू से अटर बीट नंबर 13 द 12th इज नॉट कंप्लीट, सिंपल बात है। तो अभी इसमें क्या होता है, मेरे को हिंदुस्तानी माइंड को इसमें मुखड़ा लेके सम पर आने की गुंजाइश होती है। धिन नंबर हिन निन धा त्रिकधी आधा है चंद्रमा, है ना, आधा है चंद्रमा, मैंने उसका मुखड़ा बनाया, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा। ऐसे अगर बच्चों को कहानी सुनानी होती है तो हम लोग उसको कुछ सर वॉल्टर स्कॉट या प्रेमचंद पढ़ने को नहीं देते। छोटे बच्चों के कहानी में छोटे छोटे वाक्य होते हैं, इसीलिए अमेरिका सब कहते थे कि कुमार जी के वाक्य छोटे होते थे, तो अमेरिका कहते थे कि ही हैज नॉट ग्रोन, हु कुमार जी, मतलब बच्चों को हम कहानी कहते हैं। एक बार क्या हुआ, एक था राजा, वो गया जंगल में, वहां पर आया शेर, शेर रोता था, उसने पूछा क्यों रोते हो, शेर ने कहा मुझे सम पकड़ने नहीं आती है। सॉर्ट ऑफ स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे वाक्य है, क्योंकि मैं 10 साल से 14 साल के बच्चों को सुना रहा, तो वहां पर मेरा पांडित्य दिखाने की जरूरत नहीं थी, पहले से वो नफरत उनमें शिक्षक ने पैदा की थी, तो मेरा आधा काम खत्म हो गया था, मैं उनको आनंद देना चाहता था। आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा, बच्चे अच्छे रसिक हो गए, आधा है गामा जारी द गामा का सामा, आधा है चंद्र, ऐसे कुछ मैं करूंगा। रात आधी, आधा है चंद्रमा। अभी हमारा शास्त्रीय संगीतकार होता तो पहले क्या करता, रात आधी ताली बजाते हैं, अरे फिर भी जिंदा है, 20 सेकंड सांस नहीं ली फिर भी जिंदा है, तो लोग ताली बजाते हैं, पर मैं थोड़ी भाषा समझता हूं। आधा है चंद्रमा, रात आधी, आधा है चंद्रमा। अभी मुझे ये छोटी छोटी स्वर पंक्तियां है, मुझे दीर्घ स्वर पंक्तियां अगर इस्तेमाल करनी है तो मैं क्या करूंगा, आप बताइए। सुधीर नायक, सांस नहीं पर, अच्छा ओके, और ये उत्तर मुझे नहीं अपेक्षित है, बट इट इज नॉट रॉन्ग, सांस बढ़ाएंगे, अरे पर ताल क्रिया के साथ क्या करूंगा मैं, इसकी लय विलंबित करूंगा, और विलंबित लय में अभी कृष्णा जी ने भी उधर वो लय बहुत फर्क करती है, ये लय थोड़ी कम हो जाएगी, हा? तो मुझे जो सूझेगा वो इम्प्रोवाइजेशन अलग होगी, और ऐसे ही इसका बड़ा ख्याल होगा, पर वो इतना भी विलंबित नहीं होना चाहिए कि उसमें वो बंदिश की भ्रूण हत्या हो। ऐसा करते हैं हमारे यहां लोग, 1 मिनट 10 सेकंड का विलंबित एक ताल, मतलब 12 मात्रा, हा? अच्छा फिर इतना अगर आपका विलंबित मुखड़ा है जो कितना 1 मिनट 10-20 सेकंड का होता है, तो फिर आप मुखड़ा भी 10 सेकंड का लो, जैसे पंचम कर, ये मुखड़ा है केदार का, और लय कौन सी, धिन, धिन, अरे एक मात्रा का भी मुखड़ा नहीं है, पांव मात्रा का मुखड़ा है। इट इज लाइक सेइंग कि इतने बड़े स्पेस में एक भी कोने में स्टूल रखूं और कहूं कि ये मेरा इंटीरियर है, इट इज दैट सिली। खैर मेरा ये सब मरकट लीला करने का यही उद्देश्य था कि खाली भरी आपको समझे कि हम लोग मुखड़ा लेके सम पर आते हैं, हा? और
राग संगीत जो है, इसने प्लूरल की बात की, मैं तो उसको मल्टी कहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, जनरली हमारे यहाँ क्या होता है, एक शिष्य गुरु के पास सीखता है, वो गुरु के गाने में चार चांद लगा देता है, या उसको अपनी पहचान होती है, या फिर उसको कुछ भी नहीं समझता है, वो भला बुरा कुछ भी गाता है। पर मुझे ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी जब ये जिसका अभी इसने देव ने कोट किया, घरानेदार गायकी, जब वो लिख रहे थे तो हर कोई गवाही हमारे घर में ठहरते थे, और उनके आपस में जो आर्ग्यूमेंट होते थे राग के रूप के बारे में या किसी भी एस्थेटिक के मुद्दे को लेकर के, वो एक दूसरे से जो बहस करते थे वो गाकर बहस करते थे। तो मेरे बाल मन ऊपर, यानी इतना भी छोटा नहीं था, 12-13 साल का था, ये संस्कार हुआ कि एक बंदिश भीमपलास में है पर पूरा भीमपलास एक बंदिश में नहीं है, ये संस्कार हुआ। उसके बाद जब कुमार जी के पास सीखने गए तो उन्होंने भी मुकुल को और मुझे, हमारी जो बैच थी, ऐसे उनको ज़्यादा सिखाने का शौक नहीं था, उसमें उन्होंने जिस परंपरा का शायद स्प्रिंग बोर्ड की तरह उपयोग किया, वो परंपरा ही हमको सिखाई। उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि उनकी गायकी बने, उनका घराना बने, या उन्होंने कुछ अंतिम सत्य वो बंदिशों में से ढूंढ के निकाला है। सो ही ऑल्सो बिलीव्ड विदाउट सेइंग इट कि ये देखो अभी भीमपलास है तो ये क्या है, ये अलाउद्दीन खान साहब ने मुझे दिया है भीमपलास, या उसने दिया है, मैं सुना ही देता हूँ ना। अभी आपका भीमपलास आप देखो, तभी हम उनके इंप्रेशन में थे इसलिए हम उनकी बंदिशें गाते थे, पर उन्होंने कभी उनकी बंदिश नहीं सिखाई। जब इनेविटेबल था कि वो उस राग में अच्छी बंदिश है ही नहीं कोई, तो फिर उन्होंने सिखाई। उसके बाद में मुझे फोर्ड फाउंडेशन का टू प्रिजर्व द रेयर एंड डाइंग ट्रेडिशंस, वोकल ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ऐसे हमारे संस्था को, मुझको नहीं, अनुदान मिला। उसमें मैंने 10 साल हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, और उसमें कोई भी स्टार्स नहीं थे, देर वेर नो जसराज, भीमसेन जोशी, किशोरी अमोनकर और कुमार गंधर्व, हालांकि ये सब लोग हमारे घर में आके ठहरने वाले थे, उनके साथ मेरा उठना बैठना था, देवर फॉन्ड ऑफ मी एज मच एज आई वॉज फैन ऑफ देम। पर जैसे कि देवधर जी है, या रामाश्रय झा है, या शरद चंद्र अरोलकर है, इनका किसी ने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं किया था। गिंडे भट्ट कैकिणी साहब है, मतलब यू नेम वोकलिस्ट की जिसने हमने, और तबीयत से करते थे, दो दो तीन तीन महीने वो हमारे मलबारिल के फ्लैट में आके रहते थे। अभी अमरनाथ जी का वो नहीं आ पाए बम्बई, तो हम दिल्ली में जाके उनके पास रहे। तो इसके साथ ये जो एक बात मैं कह रहा हूं ना, कि एक भीमपलास, मैं उस आदमी को समझा हुआ भीमपलास ही होता है, और उसमें कोई ऐसी भी बात नहीं है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मिलते हैं, पर मूड्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कुछ में गाता हूं, अभी भीमपलास में इट्स अ वेरी पॉपुलर भीमपलास ऑफ किशोरीताई, त्रय बिरहा, ये वो ख्याल सुना है आपने, बहुत लोगों ने सुना है, उसको उन्होंने अपने तरीके का बना लिया है, ये भी रहा। ये थोड़े भीमपलास के उदाहरण देकर फिर मैं बंदिश की इन नॉर्थ इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मैंने डिफाइन किया है, व्याख्या बनाई है, वो पढ़ूंगा मैं। तो मेरे घर में मोगूबाई, माई फादर यूज टू लर्न फ्रॉम मोगूबाई, पहले वो किराना घराना में सीखे, सवाई गंधर्व और सुरेश बाबू माने, हीराबाई बड़ोदेकर से एल्डर ब्रदर, 12 साल सीखे वो, फिर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोविंदराव टेम्बे, अ ग्रेट कंपोजर, हारमोनियम प्लेयर, और इतने समझदार हारमोनियम प्लेयर थे कि उन्होंने आखिर में हारमोनियम छोड़ दी थी बजाना, वो गाने लगे थे सुधीर जी। पर ही गेव म्यूजिक एंड ही ब्रॉट ऑल द क्लासिकल स्टफ इनटू, नहीं एक दिशा बता रहा हूँ मैं आपको, उससे आपको जाना चाहिए ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी देखो गायकी तानपुरा छोड़ के हारमोनियम हाथ में लिया अभी, क्योंकि एकदम से कहाँ तानपुरा ट्यून करूँ। अच्छा इसका साइज ऐसा है ना, 4.5 किलो का है ये, मैं बाहर जाके लेके पहला पहला प्यार बजा सकता हूँ, तो कुछ इनकम भी हो सकती है गले में डाल के। तो वो मोगूबाई गोविंदराव टेम्बे ने उनका विचार परिवर्तन किया और जयपुर घराने की तरफ वो आकृष्ट हुए। तो ऐसे घर में 3-4 लोग थे, जैसे आपके घर में बैठा था ना लास्ट टाइम, ऐसा ही ऑडियंस था। और मोगूबाई ने रे भी रहा कैसे गाया, झुमरा में है अभी, तिन की ता तीर की धिन धिन तानपुरा बड़ा, क्या बात है, दा 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 दा।
ऐसी सम किशोरताई बिल्कुल नहीं लेती, उसका अलग मजा है। इसमें आद्यांतक यमक है, जो फ्रेज शुरू में आती है वही एंड में आती है, क्योंकि यमक के खाली इतने ही प्रकार नहीं कि एंड में जो आता है यमक, दिल दिया दिल लिया, वही यमक नहीं है। एक तो यमक होता है मम्मट के काव्य शास्त्र में कि बीच में अगर आपका शब्द प पर एंड हुआ तो नेक्स्ट शब्द प से शुरू होगा। पर हमारा ख्याल संगीत मूलतः सभी शब्दों के जंजाल से कम 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 रखते आया है। हम शब्द भी यूज करते हैं कि ये भी रहा सैया गए परदेश, प्या नहीं आए, तो उसका उन शब्दों का ना गायक पे परिणाम है ना सुनने वाले पर परिणाम है। इतने वो घिसा पिटा कॉइन है तो लोग सीधा गाना सुनते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। बहुत अच्छा काव्य हमको सूट नहीं होगा, तुमुल कोला हल कलह में मैं मले की बातरे में नहीं, हमको सूट नहीं होगा। सैया गए परदेश बिलम कीनो सास बुरी मुरी ननद हटेली, हमको सब इसमें आनंद है। खैर उसके बारे में बाद में बात करूंगा। अब इसमें मोगू भाई पूरे मीन ढंग से गाती थी। मेरे ख्याल से ये बंदिश तब से आई है जब तक कि ऐसा नहीं हुआ ना कि 16 नवंबर 16 को मोदी ने नोट बंदी की तो बंद ही हो गई नोट, तो ऐसे ध्रुपद एकदम से बंद और ख्याल शुरू हुआ ऐसे तो नहीं हुआ, संक्रमण काल है वो। तो उसमें एक मिनट, बहुत से लोगों ने ख्यालियों ने ध्रुपद जैसी बंदिशें बनाई और ख्यालियों ने ध्रुपदियों ने ख्याल गाकर शुरू किया और उसमें अपने ध्रुपदों को मुखड़ा बना दिया, ऐसा बहुत हुआ उस काल में। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि ध्रुपद में खाली भरी नहीं है सुधीर, तो भातखंडे की किताब आप खोलिए, हर राग में आपको 20 ध्रुपद ऐसे मिलेंगे कि जो कि मुखड़ा लेके सम पर आते हैं, पर मेरे पास 65 साल में मैंने एक को नहीं सुना। एंड आई एम क्वाइट एन अलर्ट लिसनर, मतलब अपनी प्रतिभा पर अन्याय करके भी मैं दूसरे को सुनने जाता हूँ कि क्या हो रहा है, ये मैं आवश्यक समझता हूँ, अपनी अपनी कमजोरी होती है। हाँ तो वो नहीं मिलता है अभी, ये बेरा अभी थोड़ा खेल तीर की पूरा। अभी इतना विस्तार करके गाने का अभी इधर फुर्सत नहीं है, हाँ? अभी कुमार जी ने, ये तो मैंने देखी थी, कुमार जी ने क्या सिखाया, अलाउद्दीन खान साहब की बंदिश। हालांकि हमको तो भी क्या प्रिय था रूपक है?
तो कैसी सुधा बुद्ध बिसर गई, तो सजनी इज द प्लेस टू इम्प्रोवाइज। बाकी ये भी पुराना ध्रुपद ही होगा क्योंकि पहले मात्रा से उठता है ना, पर हम लोग उसमें से रास्ते निकालते हैं। तिन ना धिन कृधिन धिन ना ना ये
चलता रहेगा। अभी मुझे जो आमिर खान साहब का दर्शन हुआ, क्योंकि मैं देवास में 72 से 75 तक था, तो आमिर खान भी थे, एक्चुअली ही डाइड इन 74 इन एन कार एक्सीडेंट, पर उसके कारण छोड़ो, पर हम आमिर खान से संस्कार नहीं ले पाए। शायद हमारे गुरुजी ने सोचा होगा कि अभी यही संस्कार अच्छे होने दो, आमिर खान से मिल नहीं पाए। मेरी आमिर खान और कुमार गंधर्व तुम्हारे उसमें तुम ऐड करो कि कुमार जी का रेडियो प्रोग्राम, उनकी थैली मेरे गले में रहती थी, हम लोग गए और वापस आते, वहाँ पर एक चिंसोरे साहब है, डिसाइपल ऑफ रातनजनकर, उनका स्कूल है, कुमार ने की टैक्सी होती थी उनकी, उन्होंने कहा चिंसोरे के यहाँ पान खाएंगे फिर देवा जाएंगे, तो हम बैठे थे और वहाँ पर आमिर खान साहब बैठे थे। अंदर गए न उन्होंने कुमार जी को रिकग्नाइज किया न कुमार जी ने उनको, और इतनी मेरी कम्फर्ट लेवल सबसे डाउन थी। क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, कम्फर्ट लेवल एक मिनट में उसका हल हो गया। कैसे कि आमिर साहब उठ के चले गए एंड दैट चिंसोरे फेल्ड सो गिल्टी कि क्या है, तो कुमार जी ने कहा नहीं बड़ा आर्टिस्ट है, ऐसे अपने मूड होते हैं। पर ये एक उदाहरण है तुम्हारे आमिर खान श्री में, उसमें ऐड करो। तो उनको मैं मिला अमरनाथ जी के जरिए, रमेश नाटकर्णी के जरिए, क्योंकि आमिर खान साहब ने जितना वहीद खान से प्रेरित होकर के अपनी विलंबित आलापी बनाई, और फिर भिंडी बाजार की लिल्ट ली, वो लिल्ट उन्होंने क्यों ली इसके बारे में बाद में बताता हूँ, अब ये विषय करके पहले मेरी बंदिश की व्याख्या पढ़ता हूँ। तो एक मिजाज देखिए, तबला नुक चिंता ठीक है, चिंता न कर रे चिंता न कर रे चिंता न कर रे निश चिंत रहे ऐसा हमने भीमपलास मंदिर सप्ते भी सुना ही नहीं था। ये तो बाद में, उसके पहले का एक किस्सा बताता हूँ। हम इंदौर रेडियो में रातनजनकर जी ने ऐसा एक फतवा निकाला था, तो ये फतवा था निकाला कि साले बाहर 5-5, 10-10 हज़ार रुपया फीस लेते हैं सब कलाकार उन दिनों इन 70s, और रेडियो में वहीं वहीं राग गाते हैं, 175 मिलता था एक क्लास को, तभी वहीं वहीं राग गाते हैं। तो आमिर खान साहब इंदौर से गाते थे, उनको बोला था शंकरा गाने को, और मैं भी, मेरा पहला प्रोग्राम 73 में इंदौर रेडियो से हुआ, तो शंकरा तो आमिर खान गाते थे, चल रहा था। 10 मिनट बाद रतन करी ने नोट भेजी कि खान साहब शंकरा उत्तरांग प्रधान राग है, तो आमिर खान ने कहा मैं पंडित जी की बहुत इज्जत करता हूँ मगर मैं मंदिर सप्तक का उत्तरांग ही गा रहा हूँ। मगर ये एक मिजाज है। हाँ अभी देखो बेरिया बेरिया सब निन्ना का मुझको इतना आकर्षण हुआ उन दिनों, क्योंकि कुमार जी के सफेद चार में मैं गा नहीं सकता था,
अब वो जो रिकॉर्डिंग है वो सफ़ेद तीन की है, तो जवानी में क्या गया, आई वॉज 22 और 20, पर मेरा बेसिक वो पिच नहीं है, और इसमें भी काम हो सकता है ना। तिन तिन ता त्रक तिन तिन धा धा नामो रे रे भी रहा है हाँ। अभी उस पे षडज के सम वाली जोड़ चाहिए और उसमें अद्यंत सम है ना, यमक है ये 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 बिरहा है ना, बम वन सगुना अब चारू कब घर आवेंगे भूलपिया ये बिरहा। तो षडज पर सम वाली चाहिए बंदिश, कत्तिन धा त्रकधीना धिन धा त्रकतु लेटिंग कन कन सुरताल, कन कन सुरताल लिया, कन कन सुरताल लिया, कन कन सुरताल। जितना मैंने 10 साल में डॉक्यूमेंट किया, इस तरीके का मुखड़ा मुझे नहीं मिला। किसी ने बनाया होगा तो पता नहीं, लेकिन कन कन थोड़े से आज मुझे जो लगता है कि इतना सारा मैंने इकट्ठा किया पर उसका अर्थ मुझे अब लग रहा है, तभी तो खाली इकट्ठा किया। कन कन सुरताल, कन कन सुरताल लिया, कन कन सुरताल, चुन चुन रूप गुना बहु, चुन चुन रूप गुना बहु, ले शब्द समझ रहे हैं ना उच्चारण में, जानू न जानू पर भेद कछु जानू, शब्द की लागी है धुन धर तराग रूप, धुन धर तराग रूप लेत सुर लेते सूरज जान का मतलब वो लगा तो जान ले लेता है, और मेरी ये परिस्थिति है कि अभी अभी सूर समझने लगा है मुझे। अब देखिए मैं खाली ये बिरहा लेके बैठूं या और जो बंदिशें हैं और मुझे
आठ अच्छी बंदिशें मालूम है अलग अलग घरानों की, वो अभी मैं नहीं गा रहा हूँ, आई हैव टू मेक वेरी मेनी पॉइंट्स। तो उत्तर भारतीय संगीत के परिवेश में बंदिश नंबर का बंदर, संगीत प्रवाही आकार तत्व है, यू कैन कॉल इट फ्लूइड स्कल्पचर और वॉट एवर, चित्रफलक की भांति वह स्थिर नहीं। हम लोग क्या सुनने जाते हैं कि वो गायक आज राग कैसे बांधता है, वो राग आपको मालूम है, तीन ताल की 16 मात्राएं भी आपको मालूम है, शायद वो बंदिश भी आपको मालूम है, पर जब चित्र तो हम बना बनाया चित्र दीवार पर देखते हैं ना, आइए हुसैन साहब द्वारा चित्र बनाने की प्रोसेस, ऐसा कोई टिकटेड शो नहीं होता है जैसे गायक का होता है। राग संगीत प्रवाही आकार तत्व है, जहां स्वर प्रवाह की धाराएं कहीं सिकुड़ती है तो कहीं फैलती है, पर लौट कर पुनश्च उगम स्थान पर आकर बहने लगती है, बहकती नहीं। थोड़ा माफ कीजिए, हिंदी का लुत्फ उठा रहा हूं। राग का चलन तथा ताल के आवर्तन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आई थिंक इट्स ओनली इन द सर्कल दैट यू कम टू द सेम पॉइंट अगेन विदाउट अ जर्क लाइक इन त्रिकोण और अष्टकोण। खैर मैं बीच में बोलूंगा नहीं। राग का चलन तथा ताल के आवर्तन पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और गत आवर्तन के पुण्य संचित पर भी, जैसे हम लोग गत जन्म पर के पुण्य संचित पर विश्वास रखते हैं, इफ यू बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स। राग के भीतर के स्वरों के आपसी रिश्ते होते हैं, जो आप गा रहे हैं उसमें, जो सप्तक गा रहे हैं उसमें स्वरों का अपना आना जाना चाल चलन होता है। एक कुमार जी का मजेदार वाक्य है जो ये पेपर में नहीं है, वो कहते कि स्वरों का आप में अपने आपस में कोई झगड़ा नहीं है, वो आपके दिमाग में होता है जो कुछ होता है वो। हाँ, तो गाते समय यह चलन कायम रखने से ही राग प्रत्यक्ष में रूप धारण करता है। अब ये मेरी बंदिश की व्याख्या है। इन सब तत्वों के जो मैंने अभी बताया, मैं किसी भी राग गाकर बता सकता हूँ, इन सब तत्वों के संकेत जिस स्वर रचना में सूप्त रूप में निहित होते हैं, पर जिनकी संपूर्ण पूर्ति और संपूर्ण रूप जिस में नहीं मिल पाता, उसी रचना को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के परिवेश में बंदिश कहा जा सकता है। आई मीन मेरे पास त्यागराज कृति संग्रह है, मैं दाक्षिणात्य संगीत पर अपने को अधिकारी नहीं समझता, एंड माय फेवरेट कर्नाटक सिंगर, इतनी हमारी बैठक नहीं हुई है, ही माइट करेक्ट मी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, कि A4 साइज में त्यागराजा की कृति दो पन्नों में छपी है एकेडमी द्वारा पब्लिश्ड, हमारे यहाँ डेढ़ लाइन की अस्थाई है, डेढ़ लाइन का अंतरा है। तो ये संकेत किस तरह से राग का रूप या प्रोफाइल, यू यूज द वर्ल्ड, उसके सूप्त संकेत जिस रचना में होते हैं पर जिसकी संपूर्ण पूर्ति उसमें मिल नहीं पाती, उसे शास्त्रीय संगीत के परिवेश में बंदिश कहा जा सकता है। हाँ, गायक को जो राग रूप और उसके समग्र समूचे नाद लय राग रूप को लेकर उसको जो सौंदर्य तत्व प्रतीत हुआ है, उसे संगीत संकेत रूप में बंदिश के माध्यम ही से सुरक्षित रखा गया है। तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नहीं था, ये ऐसा मुझे लगा भीमपलास में, तो मैं क्या करूँ, मैं बंदिश बांध के रख देता हूँ। हाँ, दिस इज इक्वली अ डेफिनेशन कि बंदिश के पट उपज अंग से खोलकर ही उसमें सुप्त सौंदर्य की पूर्ण अनुभूति प्राप्त होती है। इट इज हाउ यू फ्लावर क्या मैंने ब्लॉसमिंग, क्योंकि बंदिश तो डेड लाइन की है, उसको मोगुबे ने जिस उस अंदाज से निभाया 20-25 मिनट, तो तभी उसका अर्थ निकलता है। और क्या है, हिंदी में एक कहावत है बहुत प्रसिद्ध, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगी। जो 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 तक जो प्रतिबंध कर रहा है पिया नहीं मिलने का, वो तुम्हारा घूंघट है, पिया सब जगह है, घूंघट के पट खोल तो तुझे पिया मिलेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं बंदिश के पट उपज अंग से खोलकर ही उसमें सूप्त सौंदर्य की पूर्ण अनुभूति प्राप्त होती है। बंदिशों के पट उपज अंग से खोलकर ही उसमें सूप्त संकेतों की संदिग्धता एम्बिग्यूटी हटती है। हाँ? और पिया मिल जाते हैं।
कभी सांगीतिक यथार्थ की नापतोल करते हुए, जैसे गजरन बुआ जोशी, और कभी स्वरजन्य किसी और ही अनजाने भाव में विभोर किशोरिया मोंडकर, वो कैसे रे बिरहा खोलती है और उसने क्या अर्थ निकाला रे बिरहा का? शायद उसने बंदिश का अर्थ निकाला ही नहीं, उसने बंदिश को एक मुखड़े के लिए रखी। हाँ, तो ये बंदिश का अर्थ है। अब देखिए उपज अंग से कौन कैसे बंदिश खोलता है, इसका एक मैं आपको नमूना बताता हूँ। और ध्रुपद और ख्याल की बंदिश में यही फर्क है कि एक रे बिरहा मैंने 5 बार गाया ना, तो कुछ मेरा यहाँ वहाँ होगा, ये हिंदुस्तानी स्वभाव है। ध्रुपद में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मात्रा मात्रा पर अक्षर होते हैं। जब हम सीखते थे कुमार जी के पास, तो एक्चुअली टेल यू द ट्रूथ, कुमार जी हमको भारी पड़ते थे। एक तो उनका स्वर सफ़ेद चार था, और उनकी जो सुर की मार थी, हाँ, जैसे किराने घराने का वही प्रेडिक्टेबल इतना लगता है जब और कोई गाता है, पर अब्दुल करीम को आप कितना भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो जो सुरीलापन है ना, उस पर कुछ आपको कमी अखरती ही नहीं है। पर जब इतना सुरीला नहीं है, तभी वो उसमें प्रेडिक्टेबल समझ में आता है। वो बताऊंगा बाद में उसकी बात, आमिर खान ने क्या किया इस स्थिति में से बाहर निकलने के लिए। तो जो कुमार जी से सीखते थे और कुमार जी की बंदिशें गाते थे, नॉट इन द एकदम गुरु शिष्य परंपरा, ही वॉज द सेम, नाम सुना है आपने, वसंतराव देशपांडे। तो हमारा 20-22 साल की उम्र में क्या स्वभाव होगा, चंचल स्वभाव होगा। जैसे एक बटरफ्लाई, तितली हर फूल पे बैठती है, वो स्वभाव था। अब वो तितली को एक निर्गुण निराकार तो भी भारी पड़ता था इतनी कम उम्र में। ऐसा थोड़ा द्वंद्व होता है मन में। तो साधनी जाग तो ये कुमार जी का, जो उनकी 5 साल वो बीमार रहे, उस पीरियड में उन्होंने मैक्सिमम कॉम्पोजिशंस बनाए थे। और वो बंदिशों का स्वभाव ऐसे हैं बहुत, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो शायद फिर से गा पाएंगे कि नहीं। एक लंग तो निकाल ही डाला था, हाँ। तो वो जो बंदिशें हैं वो उसमें बहुत एक अपने ही साथ बात कर रहे हैं, अपने सुख दुख की, ऐसा भाव है, हाँ। ये किसी बहुत ही करीबी आदमी को या अपने सखी को या भानुमती जी को कुछ हल्के से बात बता रहे हैं, ऐसा मूड है वो बहुत सारे बंदिशों का। इसलिए कुमार जी के बंदिशों को अष्टांग चिपकाया नहीं जाता, ये उसका बलस्थान समझिए या उसका एक उसकी कमजोरी समझिए, आई लिव इट टू यू। पर कुमार जी के बंदिश है अब, क्योंकि तभी उन्होंने नहीं सोचा कि मैं अगर ठीक हो गया, मैं होऊंगा ठीक बाय माई विल पावर, और फिर मुझे सभाई के अंदर वो पुण्यतिथि में गाने को बुलाएंगे ही, तभी वो 10,000 लोगों को मजा आए, ऐसे बड़े स्लोगन वाला गौड़ी बंदिश तभी उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने मंचीय प्रस्तुतिकरण के लिए अपने जिंदगी में कुछ काम नहीं किया, और 47 के बाद जो मंचीय प्रस्तुतिकरण को एक मतलब पैदा हुआ है, ऐसे हमारे उसमें नहीं था इन लास्ट 40-50 ईयर्स, बिकॉज देयर वाज नो कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वॉल्व्ड। खैर, तो क्यों भाई तुम्हारे नैन, जो कतरा न निकला सो तूफान निकला, गालिब मियां कहते हैं। दिल में गिरिया ने एक शोर उठाया गालिब, जो कतरा आंखों से न निकला वो तूफान निकला। ऐसे जो अश्रु अभी नई कतरा निकला है उससे बोझिल आखे भाई क्यों है तुम्हारी, सजला नैना का है गोरी कारण बता दे। जल नैना तो वसंतराव देशपांडे वो नैनों में एक सुरमा लगाया ऐसे कहते थे सजल नैना, पर हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उन्होंने जब वो बंदिश देखी उसका नोटेशन या कुमार जी ने गाई होगी तो उनको वो ऐसे ही सुनाई दी। सजल नैना नैना का
गोरी कारण बता दे सजल नैना। तो कुमार जी कभी इसको गाते नहीं थे, वो कहते वसंत गातो आणि नेहमी गातो सगळीकडे गातो आपल्याकडे पुष्कळ आहे गायला गाने दो उसको बस बार बार वही गाता रहता। तो मैंने और मुकुल ने एक बार कुमार जी को बहुत आग्रह किया, आपसे हमको ये सुनना है। और मेरा यह अनुभव है, जैसे हमारे मित्र बहुत अच्छे मित्र श्रीनिवास खड़े, उनको कंठ ही नहीं था, बहुत समस्या थी आवाज निर्मिति में, ध्वनि निर्मिति में। फिर भी जो कंपोजर अपना कॉम्पोजिशन गाता है ना, ऐसे लता मंगेशकर भी नहीं गाती है। मेरे पास रिकॉर्ड है खड़े साहब का श्रावणा खतनीड़ा, उनके जो शब्द पढ़ते हैं ना, और सादा केरवा है, क्या कहने। उनका अगर फुर्सत हुई तो या प्राइवेटली किस्सा में बताऊंगा, श्रीनिवास खड़े एंड भीमसेन जोशी, क्या हुआ। तो कुमार जी ने कैसे सुनाया, सजल बोलते बोलते गा रहा हूं, वो जो कुमार जी के स्वर लगे मेरे आंखों में आंसू आ गया। पर बात यहां पर ये हो रही है कि बंदिश के पट उपज अंग से कौन कैसे खोलता है, उस पर उसे बंदिश क्या समझी है, हा? और क्या है, एक बार कंपोजर ने कंपोज कर ली बंदिश तो वो उसकी भी नहीं रहती, वो गाने वाले की ही रहती है जो कोई उससे गाता है। मैं थोड़ा मजा किया नेचर से बात करता हूं, पर मेरी ट्रेजेडी ग्रीक ट्रेजेडी से कोई कम नहीं है, क्योंकि ये मैं लिखता हूँ गाने वालों के लिए, और कोई गायक ने इसको आज तक पढ़ा नहीं है न सुना है। नहीं, भालचंद्र नेमाडे वुड राइट मी, गंगाधर गाडगिळ वुड राइट मी, पीएल वुड राइट मी फॉर माय लैंग्वेज इन मराठी और ऑल दैट। तो ये बंदिश के पेपर को छोड़ दो, मुझे ऐसा लगता है कि परंपरा को समझकर आपको परंपरा के बारे में क्या लगता है, या आप बंदिश बनाकर ही सिद्ध कर सकते हो। क्यों समीर, ठीक है पानी। तो कुछ जो पारंपरिक रचनाएं हैं वो मैं थोड़ी सी झलक सुना के, जब तक मुझे को अवधि है तब यही काम करूंगा। पर बिफोर दैट, आर देयर एनी क्वेश्चंस और सजेशंस? और ये कोई मैं मेरे आज तक मैंने जो म्यूजिकोलॉजी की है उसमें मैं जो गा सकता हूँ उसको मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। भगवान ने मेरे को सपाटता नहीं दिए तो नहीं दिए, पर और बहुत कुछ दिया है, और मैं भी उसके पीछे नहीं पड़ा। नमस्ते। तो जब संगीत सिखाते हैं विद्यार्थियों को, तो राग के परिवेश में आपको रहना है या फिर बंदिश के परिवेश में रहना है? जैसे आपने कहा कि ध्रुपद संगीत में शब्दों का बहुत या प्रबंध संगीत में उपयोग ज़्यादा होता था, यहाँ पे वॉवलाइजेशन शायद बड़ा है, तो वो कैसे सिखाएं? क्योंकि जब आप सिखाते हैं तभी आपका एक इंटरप्रिटेशन उस बंदिश के बारे में, या फिर एक स्टाइलिस्टिक टेक्निक आप एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन बिना उसको एम्प्लॉय किए सिखाना चाहिए या उसके साथ सिखाना चाहिए? मेरे ख्याल से इसका सामूहिक शिक्षण हो ही नहीं सकता कला का, पहली बात। तो जैसे मराठी मध्ये म्हणतात ये ज्ञानेश्वर ने कहा है ये हृदय से ते हृदय, वो लेवल गुरु शिष्य की होती है ना, तभी ये बातें संक्रांत होती है। मास स्केल पर न मैंने मुझको सिखाने का इतना अनुभव भी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई निश्चित भूमिका ही नहीं है। मैं अष्टांग गाने वाला नहीं हूँ, कुमार जी ने नहीं गाया अष्टांग। देखिए हमारे यहाँ पर आमतौर पर क्या होता है कि बंदिश का एक बहुत अच्छे मेरे समकालीन बहुत अच्छा गाते हैं, मैं उनका गाना सुनने जाता हूँ,
वो बंदिश जो गाते हैं वो एक भी बंदिश उनके ख्याल की मेरे मुझे याद नहीं रहती, और वो क्योंकि वो बंदिश को अपनी खास कैरेक्टर नहीं होती है, वो ऐसे बंदिशों को अष्टांग आप चिपका सकते हैं, तो एक उस बंदिश का क्या है, पासपोर्ट जैसा उपयोग है कि आप राग के प्रदेश में आ गए, पासपोर्ट बताया बंदिश का, और फिर आप अष्टांग चिपकाओ। पर जो बंदिशों को कैरेक्टर होती है उसको आप अष्टांग चिपका नहीं सकते, उसमें जो एकाध अंग उसमें अगर सुटेबल है उसका मतलब, कुमार जी का सबसे बड़ा जिसका मुझ पर परिणाम हुआ, वो कैसे गाते थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि हम लोग उनके जैसे गाएं। ही वॉज नॉट दैट स्टूपिड टू एक्सपेक्ट हिज डिसाइपल्स टू सिंग लाइक हिम। कि गाना अष्टांग के लिए नहीं है, अष्टांग में से एकाध अंग या जितने अंग आपको लगता है उस वक्त आपके बंदिश को सूट करते हैं उतने ही इस्तेमाल करो, ये उनका सौंदर्य विचार है। किसी को मंजूर हो या न हो और ऐसे वो गाएं। हम बहुत छोटे थे तो उनके पीछे तानपुरे पे बैठते थे, मेरी पंचम देवत तक आवाज आती थी, पर उनको ये पता था कि वो जो गा रहे हैं वो हमें समझ रहा है, हमारे गले से भले ही ना निकले उतना कसदार, पर हमें लगता था यार क्या गुरुजी की तान है, और वो जो बातें करते थे वो क्यों नहीं कर रहे आज, तो ऐसे मैंने ख्याल उनके सुने कि वो तान ली ही नहीं है उन्होंने, बस सुर का लगाव करते रहे। इसलिए जगन्नाथ बाबा पुरोहित जैसे लोगों का मेरे पिताजी को प्रश्न था कि कुमार जी पर आरोप क्या हुआ, बड़े गुलाम अली पर आरोप क्या हुआ, वसंतराव देशपांडे पर आरोप क्या हुआ, कि सिक्वेंस नहीं लगाया इन्होंने, सिक्वेंस में सब बातें करके नहीं बताएंगे बताई, और ये सिक्वेंस गांधर्व महाविद्यालय विद्यालयीन शिक्षण पद्धति में और ही बोल्ड और इटैलिक्स में लिखा गया। अच्छा, सिक्वेंस वॉज जस्ट इंट्रोडक्शन। जिस घर में संगीत नहीं है, विष्णु दिगंबर को प्रसार होना था, क्योंकि ड्रोन ओरिएंटेड बैकवर्ड म्यूजिक ऑफ नेटिव्स जिस संगीत को कहा गया था उसको प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वो क्या मेफिस्टोफेलिस, ही अर्न्स नॉलेज एट द कॉस्ट ऑफ हिज यूथ, वैसे अपना परफॉर्मेंस करियर छोड़ के वो प्रचारक में लग गए, अपने में वो ताकत नहीं है, हम क्षुद्र जीव है, जो हमको गाना आता है उसका ही मजा लेते हैं और उससे खुश नहीं है तो उसको और सुंदर करना चाहते हैं, इसमें ही जिंदगी कैसे कट जाती है पता नहीं चलता। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया कि भाई लख छब सावरिया गरे गरे साध पद सा सा लख, अलाप नंबर एक, अलाप नंबर दो, पांच अलाप, पांच बोल अलाप, पांच बोलतन। अब उनको जो फौज चाहिए थी नॉर्थ में भेजने को, वो सब लोग ये एक्सरसाइजेस याद करके इसी को सिखाने लगे, तो लोग इसको ही गाना समझे। इट्स लाइक कि आपको बैले सिंगर होना है और आपको जो आपका गुरु एरोबिक्स बताएगा उसके लिए बॉडी का लचीली फ्लेक्सिबल रखने के लिए, आप उसी को बैले नृत्य तो नहीं समझोगे ना, वो एक्सरसाइजेस को बैले नृत्य नहीं समझोगे ना, पर हमारे यहाँ हुआ ये। यू लिसन टू कृष्णराव शंकर पंडित ऑफ ग्वालियर, वो अष्टांग नहीं पालते हैं, ये कहाँ से आया इसका सिक्वेंस, और इसीलिए आमिर खान साहब पर क्रिटिसिज्म हुआ, और ये किसने किया, गांधर्व विद्यालय के लोगों ने किया। खैर वो बातें छोड़िए, एक बंदिश है इसमें करीम नाम तेरो मियाँ मल्लार की, मेरी रचना सुनाने के लिए एक बंदिश पहले मैं सुनाता हूँ, और जब व्हेन यू वांट टू स्टॉप मी यू टेल मी। आज्ञाकारी लड़का है तो कहेगा मुझे वो बंद करो। अब ऐसा एक है उसकी खासियत बताता हूँ, हमारे यहाँ मल्लार में ये जो शुद्ध निषाद है ना, इसको अक्सर स्टेपिंग स्टोन जैसा यूज किया है। हाँ, रे बग मरे सदने मबने ने सा और ने ने सा यहां तक करते हैं। अभी देखिए, हाँ एक तल तेरा कीटा धन चल रे हे कारे रू तू सा हे ब सदा Ooh.
निशाद पुराने लोग बहुत उस पर, तो मैंने ये पुराने बंदिश को ऐसा गाना उचित समझा, इससे राग बड़ा हो जाता है। और फिर ऐसा विचार कि बंदिश नहीं थी तो घर मुंह जाने न जाने मुंह for him. Dhagulaghan pavana chalad sananananananana jayemana. Dhagulaghan pavana chalad sananananana janena mane abhuye vena bari balama jaane na
si jama kata jama jama la si jama kata jama jama la si jama kata jama 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 la si jama kata jama uka uta dahi jama tab jane na mane ab मुझे कृष्णाराव पंडित जी ने एक बात बताई, क्योंकि ग्वालियर घराने में जो गाना पनपा वो सही मानों में वहां पर इंट्रैक्शन हुई, क्योंकि लखनऊ से सब लोग भाग के आए, वाजिद अली शाह गायक वादक चतुर होते हैं, वो सब पहले से ही भाग गए, और वाजिद अली साहब को उसका जो जुराब पहनाने वाला था जूता वो साला वो भी भाग गया था, इसलिए वो उठ नहीं सके। तारीख में लिखा हुआ है उर्दू, मैं कुछ मेरी नहीं, तो वो बेचारा पकड़ा गया। ये गायक वादकों को जिसका नमक खाया उनको ऐसे नहीं लगा कि महाराज को भी उठा के ले चलते हैं, तो वो ग्वालियर में गए अपनी तान मारने लगी थी आई। खैर, तो उधर क्या हुआ कि वो पंडित लोग पंडितों को सुना देते, क्योंकि रोज रात को 12 बजे घंटा बजती थी और सब शहर को जिनको चाहिए वो महाराज जो लंच लेते थे वो सब खाना मिलता था। वजह भाव ने लिखा है, बालकृष्ण भाव अचलकरण जी ने लिखा है, इसलिए ब्राह्मण भोजन प्रिय बहुत लोग सीखने गए ग्वालियर गायकी। दूसरे घराने में कैसे होता तो वो गायकी सीखते। सॉरी कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर एक दूसरे को सुनाते थे, जैसे बनारस में जो संस्कृत का अखाड़ा है ना, द्रविड़ शास्त्री और वो प्रभुणे शास्त्री, मैंने देखा वो आपस में ही काव्य शास्त्र विनोद करते थे, क्योंकि जनरंजन करने की जरूरत नहीं थी ना, रोटी की चिंता नहीं थी। कालेखा गुलाम अली अंकल, उनको शादी करनी थी उनकी, तो महाराज ने 10-12 बकरे गोश्त के लिए और सब केसर पिस्ता बादाम सब भेज दिया, तो देख के दोनों भाई बोले यार शादी तो कब होगी, इस खाने में अपना 2 साल रियाज हो जाएगा। शादी पोस्टपोन की उन्होंने, 2 साल रियाज और किया, ऐसे ज़माना था। तो वो मैंने बोला कि पंडित जी कैसे करते थे, कैसे करते थे, तो अभी एक मुखड़ा है का हो, आई थिंक कृष्णा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक मुखड़ा है ना, पहले किसी स्टूडेंट को बोलते तो ये गॉड मल्हार का मुखड़ा है, मैं हंसता ही गाता हूँ पहले। काहे हो हम सो प्रिय दाम आखे हो। तो ये मुखड़ा कौन कितना लंबा कर सकता है इसकी कंपटीशन लगती थी। का हो फिर वो का तो लेकिन फिल्म में जो मैंने गाना गाया ना, तो तभी वो ग्रीन रूम में ये गाते बैठा था, क्योंकि हेमा मालिनी पर लिप सिंकिंग थी और वो जूठे ने ना बोले में उनकी लिपस्टिक खराब होती थी, ब ओष्ठ्य उच्चार है ना, तो बहुत रखड़ना पड़ा मुझे वो। तो मैं गाता था तो वो विनोद खन्ना मेरे को क्या बोलता है ग्रीन रूम में, मेकअप करने के लिए आए, अरे तो आप कितना ये लंबा लंबा, हम तो 1-3 अल्फाज में हमारी बात कह देते, ये कितना लंबा है आपका काहे हो चल रहा है, वो मुझे बोलता है ठीक है। तो उससे मैंने कहा छोटे से छोटा क्या हो सकता है, महत्तम साधारण विभाजक तो लघुत्तम साधारण विभाजक भी होना चाहिए संख्या का। कत्तिन धा त्रकधीना धिन धा त्रकतु ना कत्तिन धा थोड़ी कमी, बहुत अच्छे थोड़ी कमी मन रहे। बन में सावन में बन में आ, 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 आ बन में
हिंदी में एक कहावत है, इसे आती है उर्दू आते आते। मेरे पास क्या होता है, जैसे अभी विजिटिंग प्रोफेसर के लिए बुलाते हैं ना लोग, जैसे मेरे पास विजिटिंग स्टूडेंट्स आते हैं, उनको चाहिए उतना ही सीखते, ज़्यादा नहीं सीखते, और जो उनके सिलेबस में हो वही ज़्यादा ज्ञान बोलते बहुत अच्छे, पर हमको क्या करना है इसका। तो मैं उनको बोल, और एंड दे वांट टू फिनिश दैट सिलेबस क्विकली, तो मैंने तो ऐसे लोगों के लिए कि आती है उर्दू आते आते हा? बात बनते बनते बनती है, ये मुझे अच्छा लगा था। और आई वाज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर माय आर्काइव्स कि हमारे यहाँ तिन दिन दा त्रक दिन दिन दा धा, इस लय के आसपास अलग अलग मात्रा से उठने वाली कितनी बंदिशें हैं। तो भयानक दारिद्र्य था, 95% ऑफ द सिंगर सिंग जो तीन ताल कहते हैं, 95% आई एम टॉकिंग अबाउट वोकलिस्ट। तो पांचवी मात्रा से उठने वाली बंदिशें बहुत ही कम। तो ये बनाई मबरनिसा
बन तबनिया ये तब बनाई दादा दृंदा बन तबनिया तब बनाई बन तबनिया ये तब बनाई बन तबनिया पांचवी मात्र है एक दो तीन चार बन तबनी नंबर ऑर्डर ना मन भाव निमु कर जब बनत बनिया ये तब बनाई रागिनी मन भाव निमु कर जब बनत बनिया ये तब बनाई सुर ताल बंध सुर ताल बंध क्योंकि वो फॉर्म के लिए यही बेटर शब्द है ख्याल के सुर ताल बंध सुर ताल बंध रागार विनंद सुर ताल बंध रागार विनंद लिपट के छंद बिलसे रसना उभर भर कर यू बन तब ये तब बनाई एक धमार सुना रूप एक कुछ नहीं किया है आखिरी इस भैरवी लाइक ऑल्सो एक धमार रूपक में लाया है बिकॉज इफ यू सिट टू कंपोज इन रूपक और रूपक में बनाई हुई जितनी बंदिशें हैं वो छोटे वाक्य है सात मात्रा के हिसाब से पर यहाँ 14 मात्रा के वाक्य सात मात्रा में आते हैं और क्या मजा होता पानी क्या मजा आया सब एक ही है ये जो स्वर है ना इसमें आप मुहब्बत तेरे अंजाम पे रोनाया ऐ मुहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोनाया मगन हुआ जी यो मगन हुआ जियो धुन सुन के मनवा मगन हुआ स्वर वही है तिन कृतिन तिन ना धी कैसे तुम हो Body.
Questions, any comments, anything anyone has to say? I have always been saying to Satyasheel ji that, as Dr. Ranade used to say, that if you want to create a critique of music, you will have to music on music. And that's what he has been doing over the last few decades now. And it's really a privilege to have witnessed that process for last at least 25 years now. So. I mean, that's what this Center for Indian Music should strive to go in the direction of, to create a real critique of music which is absent. What we have is commentary or writing about music. As again, Dr. Ranade used to say that there are three kinds of issues in music: musical issues, music related issues, and about music issues. So most of the discourse is centered around the music related and about music issues. Actually, the grammar of music is also on the border of music related and musical issue. So I hope we get more opportunities to create such a actual critique of music through such interactions. Thank you. Namaste. I was just curious about your reference to characterless bandishes. The way the singers make it characterless. So the bandish itself is not characterless. नहीं पर कुछ कुछ characterless बंदिशें होती भी है. देखो देखो. अच्छा मैंने इसमें एक वाक्य लिखा था कि कला के गूढ़ रम्य प्रदेश रागताल के व्याकरण की सीमा को ही चिपक के होते हैं. वो कहीं और नहीं होते. आप और अच्छे ये जो श्रृंखला है आवर्तनों की मालिका, ये तो श्रृंखला, ये आवर्तनों की मालिका, ये जो श्रृंखला है ये अच्छे कलाकारों के हाथों झूलती रहती है. कभी वो गूढ़रम्य प्रदेश में जाता है, वहीं रहता है, और कभी फिर से व्याकरण में आता है, फिर से वहाँ जाता है. वो निर्णय, क्योंकि झूला है, झूला कभी निर्णय नहीं लेता. इसी का भी आप वो स्विंग चालू करो तो वो अपना निर्णय नहीं लेता है, वो झूलता रहता है ना. खैर, जो मैंने बहुत बुजुर्गों की सोहबत की और सुना है, वो लंबी स्टोरी है कि जब बड़े गुलाम अली आए बंबई में, तभी लाहौर में बाल गंधर्व एंड मास्टर कृष्णा मराठी सिंगर्स वेर पॉपुलर, क्योंकि घर में घर 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 में लोग गुलाम अली जैसा गाते थे. ये सब देवधर जी से बातें सुनी है मैं. देवधर जी वॉज ऑल्सो गुरु टू गुलाम अली इन वॉट सेंस. तो वो आए तो उनको भी लोगों ने कहा, मित्रों ने, एक है ना दो पाँच मिनट इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है ये कि खान साहब आप वहीं वहीं राग गाते हैं, क्योंकि मुझे सलामत भाई ने भी कहा, और पंजाब में ये विश्वास था कि गाना पंजाब में जवान था, ग्वालियर में बूढ़ा हो गया, और महाराष्ट्र में हड्डी पसली रह गई. अब जवान था ने क्या कि राग रूप की सूक्ष्मता को मारो गोली, तीन सप्तक सपाट मारो, मतलब अनाप शनाप. कुमार जी कहते थे इसका कारण यह है कि पंजाब में कभी फैमिन ही नहीं पड़ा, तो इतना अनाप शनाप, इसलिए पटियाला पे एक वहीं पर पैदा हुआ.
अब महाराष्ट्र में एक सब्जी बनाई गई तो उसका छिलके की चटनी बना के 6 महीने खाते हैं हम लोग, और वहाँ पर जो वो एक उधड़पट्टी बनता ना मराठी, उधड़पट्टी उड़ेल देना हर चीज़ को, वो आती है, तो ऐसे वो गाते थे। तो अब तो गुलाब अली ने कहा मुझे कौन समझाएगा राग रूप क्या होते हैं, लुक एट इज ऑनेस्टी। तो किसी ने कहा कि देवधर जी है कुमार गंधर्व के गुरु, बिकॉज कुमार जी वॉज पॉपुलर इन शिकारपुर एंड लाहौर एंड कराची। ओके, तो उनको मेरे महफिल में बुलाओ, और गुलाम अली गाए जैसे उनका गाना था, सुंदर था। और मैंने जो गुलाम अली की 2-3 महफिलें सुनी बिफोर हिज पैरालिसिस अटैक, जब वो ठुमरी गाते थे ना ख्याल के बाद, उनका वो काला कलूटा चेहरा एकदम खिल जाता था, कि वो सो कंफर्टेबल इन ठुमरी। और ख्याल में ऐसे बहुत जिम्मेदारी से और कमाल का गाते थे ख्याल, पर बड़े गुलाम अली की जितनी आप यूट्यूब पे जाकर रिकॉर्ड सुनिए, वो बंदिश में कैरेक्टर नहीं है। मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, एक आध अपवादात्मक बंदिश में होगी। अब तो उन्होंने तो उनके राग रूप देवधर जी ने ठीक किए, हाँ। तो गुलाम अली ने उनको कहा कि मैं आपके पास 6 महीने आऊँगा, हफ्ते में 2 दिन आऊँगा, 6 महीने जैसे मेरे प्रोग्राम छोड़ के, और मैं एक एक राग आपको गाऊंगा और उसमें खामी आप निकालिए। तो 6 महीने वो चला, तो 15-20 राग हो गए, तो देवधर जी ने कहा अभी बस हो गया, इससे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग भी नहीं गाते हैं राग। पर तो क्या था, देवधर साहब के ऐसे एक दीवान था और नीचे चटाई होती थी, और कोई फर्नीचर नहीं था कमरे में, तो वो दीवान पे देवधर साहब लेट के वो क्या स्नफ सुनते सुनते इनके राग रूप सिद्ध करते थे, ये गाते थे। तो फिर बाद में देवधर जी ने बोला कि ये राग रूप तो अभी हो गया, पर आई एम सो एनामर्ड ऑफ योर वोकल, योर वॉइस कल्चर, आप जो सूक्ष्म कर्ण लगाते हैं, कि अभी आप मुझे वो सिखाइए। तो फिर देवधर साहब नीचे और खां साहब ऊपर, हाँ ऐसा सब हुआ। तो अभी देखिए मेरी आवाज को भूल जाइए, झंड दे मोरा आंजरा, झंड दे मोरा आंजरा, घर जाने जय मैं गो दे कत सब लोग वा, झंड दे। करेक्ट गा रहा हूं, गा रहा हूं कि नहीं करेक्ट, हाँ कुछ बुरी बना के नहीं गा रहा हूं ना, इस बंदिश ये राग को डर डर के बांधी हुई बंदिश है, कहीं मेरा राग गलत तो नहीं हो जाएगा। आता मन ये बंदिश में आवृत्ति होती है, यू फील लाइक रिपीटिंग द लाइन, ये बंदिश की प्रथम जरूरत है। जैसे मैंने अभी कहा कि गुरु की व्याख्या क्या होती है, एक ने मुझे बड़ा आर्टिकल मांगा, मैंने कहा गुरु की प्रथम आवश्यकता यह है कि एक बार जो वो शिष्य को बताता है वो गुरु को दूसरे बार वैसे ही रिपीट करते आना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फिर गुरु पुराण बहुत लंबा हो सकता है, क्या क्या डेप्थ तक आप जाते सकते हैं। अब ये है ना, अब इसके तुलना में देखिए, देन पिया तमन भाई पिया गे तमन भाई तमन भाई। एक उदाहरण बस हो गया, पर अपन 10 बंदिशें में बड़े गुलाम लेके सुनिए, तो उसमें सब वो और बंदिश एक बार ही गाते थे। जो आदमी बंदिश को लेकर की गाता है वो हर 10 मिनट के बाद बंदिश रिपीट करता है, मेरे ख्याल में मैं स्थाई हर 10-12 मिनट के बाद रिपीट करता हूँ, फॉर माई सेल्फ टू नो कि मैं कहीं भटक तो नहीं गया, क्योंकि शायद ये श्री श्री रविशंकर को मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर आर्ट ऑफ लिविंग में कबर्ड का इन्वेंशन बहुत बड़ा है, और उसके बाद ड्रॉवर का, कि जब आपको कोम चाहिए तो स्टेपलर हाथ में नहीं आना चाहिए, उससे क्या होता है जीवन की गति बहुत स्लो हो जाती है, वो ढूंढने में ही टाइम चला जाता है। तो मेरे पास अगर इतना भिम्पलस के कंपार्टमेंट्स हैं, तो नहीं तो क्या होता है एक जिंदगी भर ये एक ही यमन की बंदिश कराने वाले गाते हैं, हाँ। उसके बाद कुछ खुद को भी नया सूझा तो उसी पर डालने का, क्योंकि दूसरा कंपार्टमेंट ही नहीं है, ड्रॉवर कबर्ड में एक ही है, ड्रॉवर साइज कबर्ड, वन सिंगल ड्रॉवर, किसी और का कुछ यमन अच्छा लगा वो भी उसमें ही डालेंगे। पर ये कर सकते हो ना आप, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। पर जो कैरेक्टरलेस देखिए, करत हो
to me, ये राग करेक्ट है but this is quite a characterless bandish as compared to हो. अरे बंदिश कितनी, खैर मेरा बंदिश का पेपर बहुत बड़ा है और मैं आपको बहुत करेक्टरलेस बंदिशें बताऊंगा और गाने वाले उसको खूबसूरत कर भी सकते हैं. मोरिनई लगन लागि रे, ए मोरिनई लगन लागि रे, तिन धात्रक धीना धिन, मोरिनई लगन लागि रे, मोरिनई लगन लागि रे, सदिन धारी पाल चिन, मोरिन नहीं लगन लागी रे रे. ओके तिन प्रतिन तिन्ना रे प प ध गम ध व ब ध म ब ग म रे 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 प. कितना इसमें पोटेंशियल है अलग अलग सरगम करके सम बनाने का, तो इसमें कैरेक्टर है और है संगति की गतनी, संगत की गतनी के कौन सी संगति रेप धग, ये धगत किरोभाव है छोटा, क्योंकि ये क्योंकि देखिए थम्मा थम्मा आत्मन भाये प्रिय के लछन. यहाँ पे सब लोग दाद देते हैं क्योंकि रे प द ग म ग ग म ग ऐसे होता है तिरो भाव ये पर. और ये संगति को मैं कहता हूँ रे प ध ग कृदन तिन, ये संगति इसकी गति निकी है क्योंकि हिंदी में मुहावरा है संगति की गति निकी. संगत की गतनी गे, संगत की गतनी गे को प्रमाद का मोदका मोद रे पद. अब ये बंदिश को आप अष्टांग नहीं चिपका सकते, छांडदी को चिपका सकते बस.